दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, जिसके शरीर में कीमती वीर्य नहीं होता वह नपुंसक महाकुलक्षणी होता है, और जिसको प्रमेह रोग होता है वह कमजोर मंद बुद्धि और उत्साह साहस धैर्य बल पराक्रम आदि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है, और जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है उसको आरोग्य बल बुद्धि पराक्रम से बढ़कर जीवन की सुख शांति प्राप्त होती है। वीर्य रक्षा की यही नीति है। दोस्तों, आज मैं आपको एक महान पुरुष की कहानी बताने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद आप वीर्य नाश करना तो दूर इसके बारे में सोचना भी पाप समझोगे। यानी कि इन सारी गंदी चीजों जैसे गंदे वीडियोस देखना, हस्तमैथुन करना या किसी महिला के शरीर को देखकर मोहित हो जाना, इन सब से हमेशा के लिए छुटकारा पा लोगे। तो शुरू करते हैं। सुखदेव जी महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र थे। वे वेद, उपनिषद और पुराण के ज्ञाता थे। वे संसार की मोह माया से दूर भक्ति और अध्ययन में ही हमेशा लिप्त रहते थे। एक दिन वह अपने भक्ति में मग्न बैठे थे कि अचानक स्वर्ग लोक की अप्सरा रंगा वहां प्रकट हो गई। रंगा उन्हें लुभाने के लिए तरह तरह के कर्तव्य करने लगती है। इसी तरह दोस्तों, हमारे भी जीवन में ऐसा ही होता है। जब भी हम ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करते हैं तो ये फालतू कंटेंट क्रिएटर के गंदे वीडियोस सामने आ जाते हैं, और जैसे यह लुभाव दृश्य हमारी नजरें देखती है तो हमारे ब्रेन में डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज कर देता है, जिससे कि हमें अच्छा फील होने लगता है, और फिर हम कब उस गंदे वीडियोस से अश्लील दुनिया की ओर पहुंच जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, और फिर हम अपने ही हाथों अपने जीवन का नाश कर बैठते हैं। तो दोस्तों, वापस कहानी पर आते हैं। रंगा उन्हें बहुत लुभाने की कोशिश में लगी रहती है, किंतु वह महापुरुष उस खूबसूरत अप्सरा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वह अपने भक्ति में ही मग्न रहते हैं। ऐसे ही काफी समय बीत गया। वह जब अपनी भक्ति से उठे तो उन्होंने सबसे पहले उस अप्सरा को प्रणाम किया और उनसे सुखदेव जी ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और मेरा ध्यान क्यों आकर्षित करने की कोशिश में लगी हैं? तब सामने से जवाब आता है कि मैं रंगा हूँ, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ। मैं काफी लंबे समय से आपको रिझाने का प्रयास कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हम सभी इस सुंदर जीवन के भोग का आनंद लें। यह सुन सुखदेव जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे देवी जी, मैं इस अनमोल जीवन का भोग पहले ही कर चुका हूँ। मैं परमात्मा के रास्ते को छोड़कर अपने जीवन को निर्धारित नहीं करना चाहता हूँ। तब रंगा उन्हें अपने रंग रूप और सौंदर्य की विशेषता बताने लगी। वह बड़े लुभाने वाले सुर में कहने लगी कि मेरे शरीर के रोम रोम में कामरस तेजी से बह रही है। मेरे चारों ओर मन को मोह देने वाली खुशबू सुगंध फैली हुई है। अगर तुम मेरा आलिंगन करो तो तुम्हें पता चलेगा कि असल यौवन किसे कहते हैं। सुखदेव जी यह सब बड़े शांत मन से सुन रहे थे। तब सुखदेव जी ने कहा कि देवी जी, आपकी कृपा से मुझे पता चला कि आपके शरीर में इतना रस छुपा हुआ है। अगर मेरी भक्ति की प्रेरणा से मुझे पुनर्जन्म मिला तो मैं 9 महीने आप जैसी ही माता की गर्भ में रहना पसंद करूंगा, किंतु अभी मेरे लिए प्रभु जी की भक्ति ही सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार दोस्तों, सुखदेव जी के ब्रह्मचर्य के आगे स्वर्ग लोक की सुंदर अप्सरा रंगा भी नर्दाद सिद्ध हो गयी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने कीमती वीर्य की रक्षा करेंगे तो ऐसी कई अप्सराएं आपके जीवन में आएंगी और आपको अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश करेगी। जैसे आप सोशल पर किसी महिला के सुंदर रूप को देख मोहित हो जाओगे, या फिर कोई कन्या आपको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इन सब से सावधान बने रहे, क्योंकि पहले आदमी थोड़े से मजे के लिए वीर्य को बर्बाद करता है और बाद में यह बुरी आदत वह आदमी को बर्बाद कर देती है। इससे सिर्फ जल्दी बुढ़ापा ही नहीं आता, इसके बारे में हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने यह तक कहा है कि वीर्य को यूं ही बर्बाद करने वाला व्यक्ति जीते जी जिंदा लाश बनकर रह जाता है, उसकी जिंदगी का मोल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।